की बात है तो योग के बहुत लाभ हैं और इसका इतिहास भी बहुत पुराना है। योग आवश्यक रूप से एक आध्यात्मिक अनुशासन है जो विशेषतः परिष्कृत विज्ञान पर आधारित है। यह स्वस्थ जीवन के लिए एक कला और विज्ञान है। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द युग से हुई है, जिसका अर्थ जुड़ने या एकजुट होने से है। यौगिक लेखों के आधार पर योग का अभ्यास व्यक्तिगत चेतना को सार्वभौमिक चेतना के साथ मिलन करने के लिए अग्रसर करता है। जिससे मन और शरीर तथा मनुष्य और प्रकृति के बीच एक बेहतर संतुलन बना रहे। योग के विज्ञान की उत्पत्ति हजारों वर्ष पूर्व धर्म व विश्वास की पहली व्यवस्थाओं के जन्म से भी पहले हुई थी। यौगिक लेखों के आधार पर शिव, जो कि पहले योगी या आदि योगी थे, उन्होंने अपने गहन ज्ञान को अपने सात शिष्यों, प्रसिद्ध सप्तऋषियों या सात मनीषियों के बीच प्रसारित किया था। योग को पूर्व वैदिक काल से ही अभ्यास में लिया जाता रहा है, लेकिन महर्षि पतंजलि, जिन्हें आधुनिक योग के पिता के रूप में माना जाता है, वही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उस समय के अभ्यासों को अपने योग सूत्रों के आधार पर सुव्यवस्थित और संहिताबद्ध किया। बाद में अनेक योग गुरुओं ने इस विद्या के संरक्षण और विकास के लिए अपना योगदान दिया और इस आश्चर्यजनक अभ्यास को फैलाया। तो हमने जान